Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Pappu Career Guide, a complete guide for all your career needs. तो फिर आज का वीडियो में बात करने वाले हैं Cognizant-GenC इंटरव्यू एक्सपीरियंस ECE ब्रांच को लेकर. इससे पहले मैंने EEE का बनाया है, CSE का बनाया है, IT का बनाया है. सभी का इंटरव्यू आज ही के दिन 8 नवंबर को कंप्लीट हुआ है और इनका जो इंटरव्यू का स्लॉट था वो था फिर आपका 12 to 1:30 PM, मतलब कि आफ्टरनून का इनका स्लॉट था. ओके, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस और ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है सहाना जी का. ओके, तो चलिए फिर देखते हैं इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा. ठीक है, तो फिर इनका इंटरव्यू में आपको मैं स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा है. मैं लेता हूँ अपने हाईलाइटर. कॉनियन इंटरव्यू स्लॉट टुडे 12 PM. ब्रांच ECE क्वेश्चन, ब्रीफली टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन डिटेल्स. ECE ब्रांच रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन, ओके, लाइक रजिस्टर, डायोड, फ्लिप फ्लॉप. अगर आप लोग भी ECE से हो तो आप लोग समझ सकते हो क्या इस सबसे क्वेश्चन से आप लोग से कैसे आंसर देना है. ठीक है फ्रेंड, इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए थे आप लोगों को मैंने बताया था कि जो कॉग्निजेंट जो है फ्रेंड आपकी बेसिकली एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछ रही है आपको लोग. मैंने EEE वाले में वीडियो बताया था, IT वाले एक्सपीरियंस मैंने बताया था और CSE वाले जो जिनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उस पर भी उनसे एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे गए थे. तो येस, दे आर आस्किंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन ऑल्सो. इनसे पूछा गया था ऑन रेशियो एंड परसेंटेज के ऊपर. मैं राइट ए प्रोग्राम आपका प्रिंट जो है आपका स्टार स्टार होता है ना वो एंड सोन, इस तरह का प्रिंट स्क्रीन था. सी एंड सी प्लस प्लस क्वेश्चन, ओके, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 3 ईयर्स. ओके, तो यहाँ ये रहा इनका कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस. छोटा सा था लेकिन हाँ, अगर आप लोग कोर ब्रांच से हो तो अगर आपका थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू देन डोंट वरी, आप लोग मैनेजेबल हो क्योंकि आप लोग से कोडिंग क्वेश्चन आप नहीं बोल पाते हैं, इट्स फाइन. लेकिन हाँ, CSE IT वालों पर थोड़ा सा जोर रहता है क्योंकि वो लोग का मेन ब्रांच मेन फोकस ही होता है वही चीज़ को लेकर. ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, इससे पहले मैंने बनाया है CSE IT EEE का, आप लोग जरूर चेकआउट करना. ओके, और इनका भी देख लेना. मैं चारों का एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर लेना. तो फिर मिलते हैं आपको दूसरे प्रॉब्लम के लिए. अगर आप लोग मुझे कमेंट करना और किसको किस ब्रांच के ऊपर में इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए, मैं ट्राई करूंगा और नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करने का. तो मिलते हैं दूसरे प्रॉब्लम के लिए. जय हिंद, जय भारत.